Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। आज मैं फिर से एक नया कंसेप्ट आज आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज में, जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं उससे थोड़ा सा आगे। तो जो उससे आगे जो मैंने आपको पीछे दो लैंग्वेज पढ़ाई थी उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, तो वो बेसिक सा क्वेश्चन से और बेसिक कंसेप्ट था। ऐसे ही एक और बेसिक सी तीन लैंग्वेज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, उन तीनों लैंग्वेजों को आज डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो देखो पहली लैंग्वेज क्या है, किस प्रकार से ये जो लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ, तीन लैंग्वेज जो आपको बताऊंगा, पहली कंसेप्ट, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो ये तीनों लैंग्वेज जो हैं ये डायरेक्ट नहीं आती हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रयोग होती हैं। तो इन लैंग्वेज को समझना है हमें, मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, वो समझेंगे। तो देखो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रही होगी ए बी का 40% है, ए इज 40% ऑफ बी। तो इस लैंग्वेज को कैलकुलेट कैसे करना है, जब कभी भी ये लैंग्वेज हमसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि ए का 40% बी है, मतलब ए बी का 40% है, तो ये लैंग्वेज है क्या, ये लैंग्वेज तुलना पर आधारित है, कंपैरिजन पर आधारित है। यहाँ पर तुलना की जा रही है एक वैल्यू की दूसरी वैल्यू से, ए बी का 40% है, ए की तुलना की जा रही है बी से, बस ये है। तो ए बी का 40% है, तो जब कभी भी इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाएगा तो 40% जो परसेंटेज दिया है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। तो हमेशा कंपैरिजन में मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था उस वीडियो में आपको बताया है कि जब कभी भी कंपैरिजन हम करते हैं तो किसी एक वैल्यू से करते हैं, किसी एक वैल्यू का, तो जिस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है वो मान हमेशा नीचे आता है, जिस वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है वो मान हमेशा ऊपर आता है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ए बी का 40% है, ए की तुलना बी से की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है वो मान नीचे आता है, मतलब बी का रेशियो नीचे आएगा, और जिसकी तुलना की जाती है वो मान ऊपर आएगा, ए का रेशियो जो है वो ऊपर आएगा। तो ए का रेशियो 2 और बी का रेशियो 5। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि ए और बी का जो अनुपात होगा, ए अनुपात बी बराबर होगा 2:5, मतलब अगर ए का मान 2 है, बी का मान 5 होगा, ये परफेक्ट मान नहीं है, ये रेशियो है। तो यहाँ पर ए जो है 2, ये 5, उसने कहा ए बी का 40% है, तो 40% का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो देखो एक और परसेंटेज की दूसरी लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, तो देखेंगे स्क्रीन पर सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40%, ए इज 40% मोर देन बी। तो पिछली लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में डिफरेंस समझेंगे, पिछली लैंग्वेज में ये था कि ए बी का 40% है, यहाँ है ए बी से 40% अधिक है। तो देखो इस प्रकार से लैंग्वेज आएगी तो उसको कैसे करना है, उसने कहा ए बी से 40% अधिक है, तो अधिक के केस में हमेशा प्लस लगा के चलना है, 40% का है उसने, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 2/5 हो जाएगी। अगर उसने अधिक का है तो आपको प्लस लगाना है, कम कहा है तो माइनस लगाना है। तो इस लैंग्वेज में क्या है, ए बी से 40% अधिक है, तो कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो बी का मान तो आ गया नीचे, लेकिन अब जो यहाँ पर 2 आ रहा है ये डायरेक्ट ए का मान नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज में कहा है ए बी से 40% अधिक है, तो बी का मान अगर 5 है तो ए का मान उससे कितना अधिक है ये मान ऊपर आएगा, मतलब कितना ज्यादा है ये मान ऊपर आएगा, तो B से 2 मोर है, मतलब 2 ज्यादा है, तो इसको करेंगे तो 5/2 7/5, अब नीचे वाला मान B का होगा और ऊपर वाला मान A का होगा, तब ये रेशियो निकल के आएगा 7/5। तो अधिक कहेगा तो हमेशा प्लस लगा के जो रेशियो निकल के आएगा उसमें जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो मान नीचे रहेगा, जिसका किया जा रहा है वो मान ऊपर रहेगा। तो उसने कहा ए बी से 40% अधिक है, तो बी से कंपैरिजन ए का हो रहा है, तो बी का मान नीचे रहेगा और ए का उससे 40% अधिक मान 7 हो जाएगा। क्लियर है ये लैंग्वेज, बिल्कुल स्पष्ट है। एक और तीसरी लैंग्वेज देखेंगे, तीसरी लैंग्वेज देखेंगे आपको दिख रही होगी कॉर्नर पे, तीसरी लैंग्वेज में कहा है
कि ए बी से 40% कम है, यहां भी ए का कंपैरिजन बी से है तो ये वाली लैंग्वेज में कम कहा है, तो ये तीसरी वाली लैंग्वेज है कि ए बी से 40% कम है, तो कम के केस में लगाएंगे माइनस, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 2/5। कौन कम है? ए किससे कम है? बी से, तो बी का मान तो आ जाएगा नीचे, कम कह रहा है तो कितना कम होगा? 2, और ज्यादा कहेगा तो कितना ज्यादा होगा? 2, कम कह रहा है इसलिए 2 कम होगा, तो 5 में से 2 को माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। कौन कम है? ए, और किससे कम है? बी से, तो बी का मान हो जाएगा 5 और ए का मान हो जाएगा 3। तो देखो ये तीन लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी तीनों बताई, और तीनों यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं, इनके रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं। तो देखो पहली लैंग्वेज थी ईबी का 40% है, तो जब कभी इस प्रकार से होगा तो उसको सीधा लिखेंगे, ए का मान ऊपर बी का नीचे। ऊपर नीचे मान कैसे पता लगेगा? वो लैंग्वेज से पता लगेगा, कंपैरिजन किसका हो रहा है, किससे हो रहा है। तो यहाँ पर ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो मान ऊपर और जिससे हो रहा है वो मान नीचे। फिर उसने कहा कि ए बी से 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 अधिक है तो प्लस लगाएंगे, 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 और 5 नीचे, किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से, तो बी का मान नीचे रहेगा। कंपैरिजन किसका हो रहा है? ए का, तो ए का मान ऊपर रहेगा। फिर 40% कम, तो 40% कम के लिए क्या करेंगे? माइनस 2/5, 5 में से 2 को घटाकर 3/5, तो ए का मान ऊपर और बी का मान नीचे। ये तीन लैंग्वेज है, तीन प्रकार से आती हैं। इन तीनों प्रकार के केस में अगर वो ऐसे कहेगा ए बी का 40% तो आप उसको सीधा 2/5 लिखेंगे, वो ये कहेगा ए बी से 40% अधिक है तो आप उसको ऐड करके 5 में 2 को 7/5 लिखेंगे, तो ए और बी के मान हमारे पास आ जाएंगे। जब वो कहेगा 40% कम है तो आप 40 में से 40% कहेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 में से 2 को घटाकर लिखेंगे 3/5 वो वैल्यू आएगी। और इन वैल्यूज में ये क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बता देता हूं। उसने कहा कि 40% ए बी का है, तो ये जो है ना ये तो 40% मान है, और ये जो बी है नीचे वाला ये 100% मान है, और ये 100% मान है, तो ये बी का 40% मान है जो ए है, तो वो ए की वैल्यू हो गई। ऐसे यहां पर ये 100% है, ये 40% मान है, और ए उससे ज्यादा है, तो 100% प्लस 40% 140% ही तो ए होगा, तो ए कितना होगा? 7 होगा। ऐसे यहां पर देखो 40% मान 2 है, 100% 5 है, कम का है तो 100 में से 2 को घटाएंगे कम आएगा 60%, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये इन तीनों लैंग्वेजों के मान होते हैं, तीनों लैंग्वेजों की वैल्यूज होती हैं, तो तीनों लैंग्वेजों की वैल्यूज आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखो भाई आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन्हीं कंसेप्टों पर आधारित है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आता है एसएससी में ये वाला क्वेश्चन, जो मैंने पीछे बताया है वही चीजें हैं, बस समझना है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो यहाँ पर उसने कहा है कि अमिताभ की लंबाई आमिर की लंबाई से 50% अधिक है, तो बताइए आमिर की लंबाई अमिताभ की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। जब ये क्वेश्चन आता है तो ऊपर जो आपको दो चीजें दी होंगी नीचे उसका रिवर्स आपको दिया होगा, जैसे ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। हमेशा क्वेश्चन ऐसे रिवर्स करके आएगा, तो देखो मैं इसको समझाता हूँ फिर उसको आपके उसके बाद आपको एग्जाम्पल दूंगा दो तीन बड़े आसान से। तो देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, अमिताभ की आय आमिर की आय से 50% अधिक है, तो बताइए आमिर की अमिताभ की आय से कितने परसेंट कम होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जितना परसेंट दिया है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर अधिक कहा है लैंग्वेज में तब तो लगाएंगे आप प्लस, और अगर कम कहेगा तो लगाएंगे माइनस। ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखेंगे, और नीचे अगर प्लस है तो 2 और 1 को जोड़कर लिखेंगे 3। अगर यहाँ माइनस होता तो 2 में से 1 को घटाकर लिखते 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका मतलब यह है कि आमिर की आय अमिताभ की आय से 33 सही 1/3% कम होगी। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? जो परसेंटेज दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2,
अगर अधिक है तो प्लस लगाएंगे, कमी होगी तो माइनस। ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखेंगे, अधिक है तो तीन, दो में एक को ऐड करके लिखेंगे तीन, कमी होगी तो दो में से एक को घटाकर लिखेंगे एक, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 33 से 1/3। परसेंटेज में कमी का मतलब होता है माइनस, और परसेंटेज में वृद्धि का मतलब होता है प्लस। वृद्धि में जोड़ना है, कमी में घटाना है, और दोनों में से कुछ नहीं है तो सीधा लिख देना है, जो हमने पहली वाली लैंग्वेज पढ़ी थी आज की क्लास की। तो ये हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा एक चीज देखेंगे कि यहां पर मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन, लेकिन इसमें आपने ये चीज दिखा हो, मैंने कहा कि एक को एज इट इज लिख देते हैं, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक को एज इट इज क्यों लिख देते हैं। उसके अलावा यहां पर दो है, यहां पे ऐड करके तीन क्यों लिख रहे हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन देखेंगे, जिससे इस कंसेप्ट पर आधारित अगर लैंग्वेज घुमा के भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो, जैसे जैसे उसने कहा कि अमिताभ की आय आमिर की आय से 50% अधिक है, तो 50% अधिक जैसे ही आपको दिखा तो आपने उसके आगे प्लस लगा लिया। और 50% अधिक का फ्रैक्शन कैसे बनेगा, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, अधिक का है तो प्लस। अभी मैंने बनाना बताया है, दो में एक को ऐड करेंगे 3/2। इतना लिखने के बाद हमें लैंग्वेज पे जाना है कि लैंग्वेज में कंपेरिजन किसका किससे हो रहा है। तो लैंग्वेज में उसने कहा है कि अमिताभ की आय आमिर की आय से, इसका मतलब अमिताभ की आय का कंपैरिजन आमिर की, सॉरी अमिताभ की लंबाई का कंपैरिजन आमिर की लंबाई से हो रहा है। तो अमिताभ की लंबाई का तो रेशियो आ जाएगा ऊपर, मैंने बताया है जिसकी लंबाई का कंपैरिजन होता है वो मान ऊपर रहता है, जिससे होता है वो मान नीचे रहता है। तो अमिताभ की लंबाई का तो रेशियो आ जाएगा ऊपर, और आमिर की लंबाई का रेशियो आ जाएगा नीचे। तो आमिर और अमिताभ की लंबाई का रेशियो आ गया 2:3, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर कि बताइए अमिताभ की आय आमिर की आय से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1:1 ज्यादा है। ऐसे ही मैं कहूं बताइए आमिर की आय अमिताभ से कितनी कम है, तब भी आप कहेंगे कि सर 1:1 कम है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों चीजें समान हैं, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों लैंग्वेजों में कोई अंतर नहीं है। या तो मैं आपसे ये पूछूं कि अमिताभ की आय आमिर से कितनी ज्यादा, तब भी आंसर आप 1 करेंगे, और मैं पूछूं कि आमिर की अमिताभ से कितनी कम है, तब भी आप आंसर 1 करेंगे। लेकिन फिर ये प्रतिशत में अंतर क्यों आ रहा है, कि जब मैं क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमिताभ की आय आमिर की आय से 50% अधिक है तो 50% आ रहा है, और जब वो कह रहा है कि आमिर क्या है अमिताभ की आय से कितने प्रतिशत कम कब होगी, तो आंसर हमारा 33 से 1/3% आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, तो एक जो है एज इट इज क्यों रहता है, वो तो इसलिए रहता है कि चाहे मैं ये करूं कि अमिताभ की से आमिर की आय कितनी कम है तब भी एक, और आमिर से अमिताभ की कितनी ज्यादा है तब भी एक, दोनों केसों में ये समान रहेगा, इसलिए ये तो रहता है सेम। अब यहां 2 क्यों है, यहां 3 क्यों है, वो लैंग्वेज की वजह से। पहले जो कंपेरिजन हो रहा है वो अमिताभ की आय का आमिर से हो रहा है, तो नीचे जो रेशियो आ रहा है वो आमिर का आ रहा है, और जब उसने जब पूछा है हमसे तो फिर वो उल्टा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आमिर क्या है अमिताभ से कितने प्रतिशत कम है, मतलब आमिर की लंबाई का कंपैरिजन अमिताभ से कर रहा है। तो उस केस में नीचे कौन आएगा भाई, अमिताभ आएगा, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से देखो, पहली लैंग्वेज मैं कहूंगा कि बताइए अमिताभ क्या है आमिर से कितने प्रतिशत अधिक है, मैं आपसे पूछूंगा परसेंटेज अधिक का मतलब परसेंटेज मोर, तो आप देखेंगे कि इसकी इससे कितनी ज्यादा है 1, और कंपैरिजन किससे हो रहा है आमिर से, और मल्टीप्लाई 100, तो उस केस में आप करेंगे आंसर 50%, ठीक है। और जब वो कहेगा कि बताइए आमिर क्या है अमिताभ से कितनी परसेंट कम है, जब ये चीज कहेगा परसेंटेज लेस, तो उस केस में आप देखेंगे कि आमिर क्या है अमिताभ से कितनी कम है, एक वो तो रहेगा ऊपर, फिर कंपेरिजन अमिताभ से कह रहा है, तो इसलिए फिर रेशियो नीचे अमिताभ का आएगा, मल्टीप्लाई 100, तब आंसर आएगा हमारा 33 से 1/3%। बात क्लियर है, तो इस वजह से ये एक सेम रहता है, और एक सेम इसलिए रहता है कि दोनों लैंग्वेजों में वो वन ही आएगा। और परसेंटेज क्यों बदल जाता है, कि जब अमिताभ की आय से कंपैरिजन करते हैं तो 3 पर करेंगे, और आमिर की लंबाई से कंपैरिजन करेंगे तो 2 पर करेंगे, इस वजह से परसेंटेज चेंज हो जाता है। लंबाई हो या आय हो या कोई भी चीज हो, उससे कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लंबाई में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन मैं बता चुका हूँ कि सेम प्रकार की चीजों में ही होता है, लंबाई लंबाई, वजन वजन, आय आय, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान के चलो, एक एग्जाम्पल और मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 20% अधिक,
प्लस लगा लेंगे, अधिक कह रहा है 1/5 प्लस करेंगे, ऊपर वाले एक को एज इट इज लिखेंगे, 5 में एक को ऐड करेंगे, 6 मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आए तो अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा 14 सही 2/7% अधिक, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, अधिक कह रहा है तो 7 और 1 8, और 1/8 कितना होता है 12.5% आंसर हो गया। कम कह रहा है तो घटाना है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेंगे इस तरीके का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की दिख रही होगी, सेम है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, करने की कोशिश करेंगे फास्ट। देखो भाई क्वेश्चन, उसने कहा है गौतम के पास राहुल से 33.33% अधिक पेंसिल है, तो बताइए राहुल के पास गौतम से कितने प्रतिशत कम पेंसिलें हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले के जैसा कर लिया होगा आपने, तो देखो फास्ट बता देता हूं इसको। उसने कहा 33.33% अधिक, तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा मैं 1/3, अधिक कह रहा है तो प्लस लगाऊंगा, कम कहता तो माइनस, ऊपर वाले एक को मैं एज इट इज लिखूंगा, 4 और मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा मेरा 25%, क्योंकि 1/4 का परसेंटेज में मान कितना होता है 25%। क्लियर है, हो गया, बस एक लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर देना, ज्यादा नहीं। और ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये भी नहीं लिखेंगे, सीधा माइंड में ही कर देंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप माइंड में ही कर देंगे उसको, माइंड में ही कैलकुलेट कर देंगे। तो ये अगर 33 सही 1/3% अधिक की बात कर रहा है, फिर दूसरा कम पूछा है, तो ये प्लस हो गया, 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई हो तो 25% कम होंगे। अगर हम देखें रेशियो के हिसाब से तो 33 सही 1/3% 33.33% का फ्रैक्शन अधिक के केस में बनेगा 4/3। तो ये जो पेंसिल है उसने कहा है गौतम के पास राहुल से अधिक है, तो राहुल की पेंसिल आएंगी नीचे और गौतम की आएंगी ऊपर। अब उसने पूछा बताइए राहुल की पेंसिल गौतम से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है 1, और किससे पूछा है गौतम से, और मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आ जाएगा 25%। क्लियर है, बात स्पष्ट है, आगे चले, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यदि एक संख्या से उसका 62.5% घटाया जाता है, देखो घटाया माइनस, कमी माइनस, जोड़ना प्लस, और वृद्धि प्लस, अधिक वृद्धि जोड़ना सब प्लस रहेगा, और घटाना माइनस रहेगा, कमी माइनस रहेगी, बस ये ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो देखो अब ये उसका जो मैंने आपको पीछे बताया है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, यहां पे माइनस करेंगे, क्यों, घटाने की बात कर रहा है। तो देखो ये तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, एक संख्या से जब उसका 62.5% घटाया जाता है, तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो 62.5% हमने पढ़ा है कि 12.5% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/8। अगर आप इसको देखेंगे 62.5 को, तो इसका 5 गुना है, 25 12 5 60, 5 गुना है कि नहीं, तो 5 गुना है, तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई और यहां भी 5 का मल्टीप्लाई, 12 5 60 25, तो ये हो जाएगा 62.5%, और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी 5/8 के, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 5/8, तो 62.5% की सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। अब जाते हैं लैंग्वेज पे, उसने कहा है कि एक संख्या से जब उसका 62.5% घटाया जाता है, संख्या से, तो इसका मतलब नीचे तो आ जाएगी संख्या, नीचे तो आ जाएगा नंबर, ऊपर आ जाएगा कितनी 62 पॉइंट, इस संख्या का 62.5% मान, और वो घटाने की बात कर रहा है, तो लगाएंगे क्या भाई माइनस, माइनस लगाएंगे, तो इस संख्या का 62.5% कम मान हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगी संख्या। अब आप देखो आपको क्या दिया, उसने कहा है जब इस संख्या के 62.5% घटाया, मतलब 8 में से 5 घटाया जाता है, तो हमें जो रिजल्ट है वो 6321 प्राप्त होता है। तो संख्या में, संख्या तो हो गई ये, 5% हो गया ये, में से इसको घटाएंगे तो संख्या जो रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा, जो वो कितना होगा 3, 3 रेशियो का मान उसने हमें बराबर दिया है 6921 के। यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 3 से इसको भाग दे देंगे, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 3 × 6 3 × 9 7 21। संख्या के लिए 8 रेशियो का मान निकालेंगे तो 8 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2307 से, तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो हमारी संख्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगा हमारा 2307 और मल्टीप्लाई 8,
8756 8324 4 2 16 2 18456 हमारा आंसर हो जाएगा 18000। यहां से करेंगे तो 8756 8324 2 8216 और 2 18 18456 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। इसमें कहा था उसने यदि एक संख्या से उसका 62.5% घटाया जाता है, तो जैसे ही मैंने 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू ली 5/8, तो ऊपर जो 5 है ये 62.5% माने ही संख्या है, 8 में से 5 को घटाया तो 3/8, तो ये 62.5% कम मान हो गया। उसने कहा परिणाम 6321 आता है, सॉरी ये जो परिणाम है ये 6321, क्वेश्चन में जो परिणाम है वो 6321 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सारी मिस्टेक, 3321 है। तो इससे डिवाइड करेंगे 3 2 6 3, तो ये 2107 आएगा मेरे, और ये 2107 आएगा तो यहाँ पर भी 2107 आएगा और यहाँ पर भी आपका ये 2107 आएगा। 8 से करेंगे 8 7 56 8 और 8 2 16 16856 ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, देखो फोर्थ क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो कुछ नहीं है कंसेप्ट पे, एक संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 2/5, तो संख्या आ जाएगी नीचे, संख्या का रेशियो आ जाएगा नीचे 5 और उसका 40% मान आ जाएगा ऊपर। तो उस संख्या में जब उसका 40% में, उस संख्या के 40% में, तो उस संख्या का 40% मान कहाँ होगा, ये ऊपर होगा। तो उस संख्या मान में मतलब 2 में, जब में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, या ये कह सकते हैं कि 5 में 2 को घटाएंगे 3, तो भाई 3 रेशियो का मान ही तो हमें 42 दिया है उसने, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 14, संख्या के लिए निकालेंगे 5 रेशियो का मान, तो नंबर हमारा कितना आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 14 × 5 = कितना आ गया, 70 हमारी संख्या आ जाएगी। क्लियर है, सेम उसी कंसेप्ट पर आधारित है, कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, समझा चुका हूँ सारी चीजें, तो अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। देखो 250 रुपए के कैलकुलेटर की कीमत 100 रुपए से बढ़ाई गई है, तो वृद्धि दर बताइए। बहुत आसान है, जब कभी भी आपको, ये है आपका पांचवा क्वेश्चन, जब कभी भी आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछी जाएगी, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए या परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए हमेशा कितनी वृद्धि हुई है या कितना इंक्रीज हुआ है वो रहेगा ऊपर। तो इंक्रीज कितने का हुआ है, 100 का, और कैलकुलेटर की कीमत, ओरिजिनल कीमत कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस कितना था, वो रहेगा नीचे 250, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 40%, बस हो गया 40% आंसर हो गया सी ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी निकालनी होगी, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए कितने की वृद्धि हुई है वो ऊपर, कुल मान नीचे मल्टीप्लाई 100, कमी निकालनी होगी तो कमी कितनी हुई है वो ऊपर, कुल मान नीचे मल्टीप्लाई 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो भाई जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता है, मुझे यहाँ पे सामने देखना होता है, तो वहां से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे दिख जाता है तभी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, मैं उसको पढ़ के आपको अच्छे से सुनाऊंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगी। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, और संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के योग का 20% है, ये कहा है उसने, तो उस संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का अंतर यही तो होगा, x माइनस 1/x, संख्या को मैंने x मान लिया, उसका व्युत्क्रम 1/x, और दोनों का अंतर,
और संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो x प्लस वन अपॉन एक्स, भाई संख्या x उसका व्युत्क्रम वन अपॉन एक्स और दोनों का योग, तो ये वाली जो मान है ये इसका 20% है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20% 1/5, भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो जब किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत निकालना होता है तो उस परसेंट के फ्रैक्शन वाल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस x हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 1 अपॉन x, इधर है ये वाला यहाँ पर देखेंगे और इधर ये 5 अपॉन x, सॉरी 5 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन x, 4x इसमें से माइनस हो जाएगा x, तो 4x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन x, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर का मान बराबर कितने के आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो x स्क्वायर का मान बराबर आ जाएगा 6/4, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, तो यहाँ से x का मान बराबर आ जाएगा अंडर रूट, भाई स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 3/2, यही तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने हमसे कहा है बताइए संख्या का वर्ग, संख्या का जो वर्ग है वो घनफल से कितने प्रतिशत कम है, संख्या के वर्ग की तुलना संख्या के घनफल से करनी है, तो देखो संख्या के सबसे पहले मैं रेशियो निकाल लेता हूं, संख्या का वर्ग x स्क्वायर होगा, घनफल x क्यूब होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1:x, x का मान यहां से पुट कर देंगे, यहां से यहां पुट करेंगे x का मान, तो x की जगह पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/√2, नीचे से अंडर रूट 2 को हटाएंगे तो इधर भी अंडर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इधर अंडर रूट 2 और रेशियो इधर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहां से ये तो है वर्गफल का मान, ये है क्यूब का मान, अगर इसको मैं पॉइंट में बनाऊं तो ये हो जाएगा 1.4:1.7। अब ये पूछा है कि कम है तो परसेंटेज कमी देखेंगे, तो पहले ये देखेंगे इससे कितना कम है, कितना कम है 0.3 और कितने से 1.7 से और मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 18% अप्रोक्स, 18% यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे बी ऑप्शन पर है 18%। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखो सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिख रहा होगा सेवेंथ क्वेश्चन में परसेंटेज में लैंग्वेज में दिए हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऐसे को ये देखेंगे, ए बी से 75% कम है, क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं, ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के अंतर का 75% है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 75% कम, 75% कम, तो 75% कम के लिए माइनस लगेगा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4, कम कह रहा है तो माइनस करके लिखेंगे 1/4, कौन कम है और किससे कम है, तो ए कम है और किससे, बी से, तो जिससे कम होगा वो वैल्यू नीचे और जो ऊपर, ए ऊपर, कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो मान नीचे और जिसका हो रहा है वो मान ऊपर, ठीक है। फिर उसने कहा है सी ए व बी के अंतर का 75% है, कम और अधिक नहीं कहा, सीधा 75% का है, तो सीधा कहा है तो 3/4, पहली वाली लैंग्वेज कौन, सी, और किससे, ए और बी के अंतर से, तो ए और बी का अंतर, ठीक है, ए और बी का अंतर यहाँ 4 आ रहा है और ए और बी का अंतर यहाँ पर देखें तो 3 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, रेशियो समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी 4 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समान करना पड़ेगा, तो समान करने के लिए इधर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 समान हो गया, जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा,
जब किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे रेशियो में करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कर दिया और इनमें नहीं किया तो गलत हो जाएगा, पूरे रेशियो में करेंगे। ऐसे जब तीन का यहाँ किया है तो तीन का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ए बी सी तीनों आ जाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान कितना आ जाएगा चार, बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा चार मल्टीप्लाई चार सोलह, और सी का मान तीन मल्टीप्लाई तीन नौ। उसके बाद क्या पूछा उसने, उसके बाद उसने कहा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है ये निकालना है, तो ये परसेंटेज अधिक निकालना है, परसेंटेज अधिक परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे सी ए से कितना अधिक है, तो चार से नौ कितना अधिक है पांच, और किससे ए से, तो चार पर कंपेरिजन करना है और मल्टीप्लाई सौ, चार से कैंसिल हो जाएगा पच्चीस बार, 25 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर आ जाएगा 125%। बस हो गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर ये लैंग्वेज अगर मैंने जो आपको पहले तीन बताई हैं उन्हीं का प्रयोग हुआ है, अगर वो आपकी समझ में अच्छे से आई होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देखिए। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। एट्थ क्वेश्चन देखो, करेंगे आपको दिख गया होगा, ए बी से 25% अधिक है, बी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कम है। तो देखो ये भी बहुत आता है एग्जाम में, ए बी से 25% अधिक, अधिक का मतलब प्लस, 25% अधिक, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अधिक कह रहा है तो 4 और 1 जोड़कर लिखेंगे 5/4, कौन अधिक है ए, और किससे अधिक है बी से, ठीक है। ऐसे ही अब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, बी सी से 40% कम है, तो 40% कम का मतलब -40%, -40% 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, माइनस है तो 2 को घटाकर लिखेंगे 3/5, कौन कम है बी, और किससे कम है सी से, यहाँ पर बी का मान चार, यहाँ पर बी का मान तीन, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए तीन का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, चार का यहाँ, यहाँ करेंगे तो चार का यहाँ भी करना पड़ेगा, तीन का यहाँ भी, क्योंकि मैंने पीछे बताया है सेम अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे रेशियो में करेंगे, किसी एक नंबर में नहीं करेंगे। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, ए का मान 5 × 15, बी का मान 4 × 12 और सी का मान 4 × 5 = 20, ठीक है हो गया। उसके बाद एक और इक्वेशन दिया है कि सी डी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक प्लस 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, अधिक कह रहा है तो ऐड करके लिखेंगे 13/10, कौन सी, किससे डी से। अब यहां पर सी का मान 20, यहां पर सी का मान 13, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए इधर 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अब मैं कंपैरिजन डी से पूछा है, उसने पूछा सॉरी ए का कंपैरिजन डी से, कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो बस ए रेशियो डी निकाल लें हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 15 × 13, तो 15 × 3 = 45, 5 = 4 और 15 × 4 = 19 रेशियो, डी निकालेंगे तो 20 × 10 कितना हो जाएगा 200। उसने पूछा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए डी से कितना कम है 5 और किससे डी से 200 और मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5%। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बस हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। तो ये 25% पहला वाला इक्वेशन, सेकंड थर्ड, जैसे मैंने आपको पीछे लैंग्वेज बताए तीनों वही लैंग्वेज है, कम पर और अधिक पर, अगर यहाँ पर कम अधिक नहीं कहता तो सीधा सीधा कर लेते, ए डी का रेशियो निकाल के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन की थोड़ी सी आदत है इसलिए कह देता हूँ, कभी कभी लिखो, वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बस। देखो क्वेश्चन एक और, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200, ये तो बहुत ही आसान है भाई। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में उसने क्या है कि एक संख्या का 38% मान और उसी संख्या का 22% मान का अंतर, तो मान का इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा
16% की वैल्यू उसने बराबर दी है, कितने के दी है, 3200 के। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 16 नीचे चला जाएगा, 3200 बटे 16, 16 से कैंसिल करेंगे कितने बार कट जाएगा, 200 बार, 16 दूनी 32, 20, तो 1% का मान कितना आ गया भाई, 200। संख्या के लिए कितने परसेंट का मान निकालते हैं, 100% का, तो 100% का मान निकालेंगे तो 20 और बढ़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। संख्या भाई मैंने बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो संख्या भी अपने आप में 100% का मान 20,000, ये संख्या आ गई। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, उसने संख्या का 15.5% मान पूछा है, तो आंसर करेंगे 20,000 का 15.5%। 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो आ जाएगा 155 मल्टीप्लाई 20। यहाँ से करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 0, 1, 15 दूनी 30 और 1 3100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या का 38% और 22% का अंतर दिया था, सीधा सीधा मैं परसेंटेज का अंतर ले लिया, 3200 आ गया। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 10th क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें कहा गया, यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से ही 1/3% कितना होगा। संख्या मान लू भाई, संख्या मान लू अपनी तरफ से, मान के चलो एक्स मान लू, तो संख्या का 1/8 है, संख्या का 1/8 ऐसे ही निकालेंगे, का 75%, 75% कितना होता है, 3/4, ये हमें याद होनी चाहिए। 66 से 2/3% कितना होता है, 2/3, कैसे पता करा मैंने, 75% का हमें पता है कि 75% 25% का 3 गुना है, हमें पता है कि 25% होता है 1/4, ये 75% इसका 3 गुना है, 3 गुना है तो ये हो जाएगा 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ऐसे ये देखो 2/3 हमें पता है, 33 से 1/3 1/3 होता है, ये उसका 2 गुना है, तो 66 से 2/3% उसका 2 गुना है, तो 2/3 हो गया, और इसका मान जो दिया है वो दिया है 179। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 179 और मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, ये संख्या आ गई। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, उसने कहा इस संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% क्या होगा, तो इस संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% 1/3, 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 179 मल्टीप्लाई 4, 9 चौक 36, 6 3, 17 चौक 68 और 3 71, 716 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 716 हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। जो ये तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको सबसे पहली परसेंटेज की जो क्लास बताई थी उसमें ही बता दिया था। आज मैंने 3 लैंग्वेज और बताई आपको, ये 3 लैंग्वेज क्वेश्चनों में बहुत आती हैं, उसके अलावा इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 लैंग्वेज बताई थी। अब परसेंटेज का बेसिक आपका क्लियर हो गया है, परसेंटेज के बेसिक में आपका कुछ नहीं बचा, यही लैंग्वेज, चाहे परसेंटेज का कितना भी बढ़ा इन लैंग्वेजों के अलावा उसमें और लैंग्वेज नहीं आएगी। आगे परसेंटेज के अदर और अदर नए क्वेश्चनों के साथ मैं फिर आऊंगा आपके सामने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अच्छा सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना कर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त कर सकता हूँ, करता हूँ। आगे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना